गणितीय आगमन का सिद्धांत चल रहा था बच्चों, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत में जहाँ तक एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट हो गए थे और अब बची है प्रश्नावली, तो प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन बोल, एक एग्जाम्पल बाकी है अभी। अच्छा पूछना है, पूछो बच्चों। 7 की पावर 2n प्लस 16 64 से विभाज्य, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन मान लो ऑप्शन में आ जाता है, जैसे बड़े एग्जाम में आता था कि किससे विभाज्य है ये संख्या, ऐसे लिख देंगे ये किससे विभाज्य है। तो हम लोग वहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस हम लोग यहाँ 1 पुट कर लेते हैं और 1 पुट रहे दे लो क्या नंबर आ रहा है उसी से विभाज्य हो जाएगा बच्चे, समझ लो, ठीक है। जैसे एन बराबर 1 के लिए बोलो 7 की पावर प्लस माइनस 7 की पावर 2 49 16 65 65 में क्या, इसलिए एन बराबर 70, ठीक है। n बराबर 1 के लिए क्या है 70, इसलिए n बराबर k के लिए 7 होगा, ठीक है। तो k के लिए लिखो बच्चों जरा, 7 की पावर 2k प्लस माइनस 1 64 से विभाज्य है, 64 से, ठीक है। n बराबर k प्लस 1 के लिए लिखो जो, k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 16 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 की जगह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे, 7 की पावर कितना कर देंगे 2k प्लस यहाँ 16k और प्लस 16 माइनस 1 यहाँ अलग करेंगे इंटू 7 की पावर 2 प्लस 16k प्लस यहाँ चाहो तो कर लो 15, ठीक है। अभी हटाना पड़ेगा, हमने कहा था इसको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों पहले समझो, फर्स्ट लाइन से 7 की पावर 2k और 7 की पावर 2 कितना होता है बच्चों बोलो 49, ठीक है। लाना क्या हम लोग को 7 की पावर 2k है ना, 7 की पावर 2k और प्लस क्या लाना है 16k। तो हम लोग को लाना क्या है 7 की पावर 2k, तो लिखा है 16k लाने के लिए 16k का मतलब इंटू और प्लस क्या करेंगे 49, ये 49 हटाना बच्चों यहाँ पे, समझो फिर से एक बार फिर से, हमें लाना क्या है 16k, तो 16k लिखा है यहाँ पर जानबूझ के, हटाना किसको 49 को, तो 49 लिखा है। बोलो बच्चों ये प्लस किया तो यही माइनस करो बच्चों, 16k इंटू 49 और बाकी दोनों लिखो माइनस का और ये 16k और प्लस का नहीं आया क्या, बोलो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 49, कितना बचेगा। अब इस मतलब जो हुआ नहीं कंप्लीट बच्चों, इसमें कॉमन क्या मिलेगा माइनस का 49 माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया अब लाना क्या हम लोग को माइनस 1, ध्यान देना माइनस 1 तभी आएगा बच्चों 16 के, जब हम लोग 49 लाना है तो हम लोग मतलब 1 लाना है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि प्लस का, प्लस नहीं माइनस पहले यहाँ पे लिखा माइनस का 49 ऐड कर देंगे और प्लस का 49 कर दें, क्योंकि इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा बताओ जो 49 मिलेगा, तो पूरा सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से नहीं बन जाएगा। और बाकी को लिखो बच्चों 16k और ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15, अब कॉमन लो इसमें से 49 फिर से पूरा, तो बोलो कितना बचेगा 7 की पावर 2k और प्लस का माइनस का, बाकी बच्चों सॉल्व करो 49 प्लस 15 कितना होता है 64 है ना, और देखो बच्चों इसमें भी 64 होगा, 16 है 48 में से 4 ले लो तो 16 चको 64k इंटू यहाँ 12 तो बचेगा बच्चों, जैसे ये 16k लिखा है 48 का मतलब लिख दिया 12 गुणे 4 और ये गुणा कर लिया हमने
क्यों किया? क्योंकि जानबूझ के चौसठ लाना था हम लोग को। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 49 + 15 कितना होता है 64। ये क्या है, 64 से विभाज्य है, ये भी 64 से विभाज्य है बच्चों, और ये भी क्या है, 64 से विभाज्य, अर्थात तीनों का योग भी जो होगा वो 64 से विभाज्य होगा बच्चों। 16 × 48 लिखा था बच्चों, अगर हम इसको बना लेते 64 कुछ बन जाए यहाँ पे, क्योंकि 64 आना चाहिए यहाँ पे, तो उसको बनाने के लिए मैं 48 में से 4 ले लिया यहाँ पे, 12 × 48 होता है बच्चों, 4 ले लिया तो 16 × 4 कितना हो जाएगा 64 के, और इंटू कितना बचेगा 12, बोलो बचेगा। तो इसीलिए हमने ये किया क्योंकि 64 बन जाए, क्योंकि तो हमें लाना क्या यहाँ पे 64 से लाना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एक बार फिर से समझाते हैं, देखो लिखा गया था यहाँ से देख लो, 7 × 2 प्लस का 16 प्लस का 15। देखो हमें यहाँ पे 7 × 2 लाना है, 7 को हटाना मतलब 49 को हटाना है 7 × 2, लाना क्या है यहाँ पे 16 के लाना है, हटाना क्या है 49, बोलो बच्चों। फिर और भी चल लाना है, लाना क्या है माइनस एक लाना है, तो हटाना किसको बच्चों 49, ठीक है। और बाकी लिखो ऐसे, बाकी नहीं मतलब ये प्लस किया है तुमने, तो यहाँ पे क्या करोगे इसको माइनस, 16 × 49 ये माइनस किया है तो यहाँ प्लस, 1 × 49 लिखा और प्लस का इसमें कॉमन ले लें कितना 49, 7 × 2 प्लस 16 − 1। अब ये देखो बच्चों, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा 49, तो एक चीज़ छूट गई क्या, एक चीज़ छूट गई है, 16 छूट गया बच्चों यहाँ पे, प्लस का 16 छूट गया बच्चों, और प्लस का 15, इसमें से कॉमन लो बच्चों कितना माइनस का, तो क्या बचेगा 49 − 1, और ये 49 × 49 और प्लस 15 कितना होता है, ये क्या है 7 मतलब ये 64 से विभाज्य है बच्चों, और ये 48 बचेगा, और 48 चाहो तो गुणा कर लो, नहीं तो 48 में से 4 निकाल के सोचे तो 4 करने निकल जाएंगे तो 64 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितने बचेगा 12 बचेगा, गुणे में लिखिए बच्चों, और प्लस 64, और ये पूरा ऐसे लिख लो, अब आई नहीं है बच्चों, बोलो पूरा इकट्ठे बनने बना लिया तुम, आता ये क्या है 64 से विभाज्य, नहीं समझ आया बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलो जो क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x एन माइनस 1 चलो यहाँ देखो बच्चों, सवाल अच्छा है, अगर ये त्रिकोणमिति में होता तो हम लोग त्रिकोणमिति के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं sin 1/sin 2x डिवाइड करते इंटू करते जाते और लास्ट में आंसर ये बन जाता, बट ऊपर लिख दिया उन्होंने गलती आगमन सिद्धांत से कीजिए इसको, लिखा क्या ठीक है चलो, तो n बराबर वन के लिए सिर्फ पहला पद क्या लिखा है बच्चों इज इक्वल टू में एक रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर एक रखेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, साइन 2x फॉर्मूला अपॉन में नहीं 2 sin x कटेगा कितना बचेगा बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, ध्यान रखो फॉर्मूले में बच्चों, भूलो मत फॉर्मूले, साइन 2x का क्या होता है 2 sin x × cos x ठीक है। तो इसलिए n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए पहले k के लिए तो k के लिए लिखो जरा cos x × cos 2x × cos
ओके बच्चों बोलो, आप देखो n बराबर k प्लस वन के लिए, k प्लस वन के लिए बच्चों बताओ जरा क्या होगा, देखें ध्यान से बोलना बच्चों, cos x ध्यान देना 2 की पावर इंटू cos 2 की पावर kx, kx क्यों, क्योंकि k माइनस वन क्या है k आएगा, एक प्लस करो बच्चों तो एक सिर्फ k बचेगा, इज इक्वल टू बोलो 2 की पावर k प्लस वन इंटू एक्स अपॉन में नहीं आए क्या बच्चों, चलो अब इसमें तो लिखते हैं LHS बच्चों बोलो, और वो जो ध्यान दो यहाँ पर LHS में पूरा वही बन जाएगा, ये पूरा नहीं यहाँ तक देखो ध्यान दो यहाँ तक, इस पूरे की जगह हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं बच्चों बोलो, इस जगह साइन टू की पावर अपॉन में और इनटू क्या बचा है कॉस, ठीक है बच्चों इतना आ गया, अब ध्यान देना बच्चों, अच्छा ये बताओ साइन टू एक्स फॉर्मूला बताया मैंने भी ना, क्या होता है बोलो, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है ध्यान देना, अगर हम एक्स की जगह लिख दें टू की पावर के, क्या लिख दें टू साइन एक्स लिख रहे हैं टू की पावर के एक्स, एक्स की जगह, और यहाँ भी लिख कॉस टू की पावर के एक्स, तो बच्चों मेरे यहाँ पर क्या बनेगा समझना, हमने x की जगह 2 की पावर k लिख दिया तो 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह क्या जाएगा बच्चों बोलो 2 की पावर, मतलब कि साफ साफ है कि 2 की पावर कितना हो जाएगा k प्लस वन, क्योंकि घातें जुड़ जाएंगी यहाँ बच्चों, बोलो बनेगा बच्चों नहीं बनेगा, बोलो बनेगा भाई समझो, यहाँ पे ये 2 की पावर की, अच्छा जो भी यहाँ आता है उसका दुगना यहाँ पर होता कि नहीं होता, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना है 2x है, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x है, यहाँ अगर 3x है तो यहाँ 6x है, कुछ भी होगा वो दुगना होता है, तो 2 की पावर k लिखा तो इसका दुगना क्या हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1, क्योंकि दुगने का मतलब 2 का इंटू करो और 2 का इंटू करने का मतलब है कि पावरें जुड़ जाएंगी, 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों ये फॉर्मूला तो ये बन रहा है लेकिन कमी क्या है बच्चों यहाँ पे 2, तो हम लोग 2 का इंटू कर देंगे और 2 का और ऊपर फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन 2 की पावर और नीचे ये देखो आधार समान है तो कहते हैं जोड़ दो 2 की पावर इंटू नहीं आया क्या एल एच एस इक्वल टू सिंपल है बच्चों, एक ही दो लाइन में हो गया खत्म, नहीं आया, और अगर हम लोग उससे करते तो उससे भी सिंपल होता लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, इससे सिंपल हो गया थोड़ा सा, दो लाइन देखो मेन तो दो ही लाइन ना, बाकी तो तुम्हारी लाइन कोई नहीं, मेन तो ये दो लाइनें हो गई बच्चों, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जितने ही सब लगाना बच्चों ट्राई करना सब सिंपल है, ए प्लस बी ब्रैकेट लाइक दिस ए प्लस टू डी ब्रैकेट प्लस प्लस बड़ा ब्रैकेट ए प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस वन ए प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी भी तो होगा बड़ा ब्रैकेट इक्वल्स टू एन बाई टू बड़ा ब्रैकेट टू ए प्लस फॉर्मूला है फॉर्मूला तो भी लिख दिया ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों ठीक है, ये फॉर्मूला ही लिखा है उन्होंने, एपी का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का ठीक है, उसी का फॉर्मूला लिखा है एन पदों का योग का बच्चों है ना, एन पदों का योग फॉर्मूला यही होता है, सिंपल ए भी रहेगा कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देना एन बराबर एक के लिए वहाँ पे क्या होगा सिर्फ ए, यहाँ रखो एक बटे दो, एक बटे दो यहाँ बताओ टू ए, यहाँ एक रखो बच्चो एक में एक जाएगा कितना बचेगा डी, एक में एक जाएगा डी बचेगा, एक में एक जाएगा जीरो और जीरो गुणा डी में जाएगा तो जीरो हो जाएगा बच्चो, इसलिए
बराबर एक के लिए सत्य होगा, इसलिए एन बराबर सत्य ए हाँ बी नहीं लिखा बी लिख दिया वाह हम क्या करो भी भी क्या करो ए प्लस यहाँ बोलो एन माइनस वन के माइनस वन इक्वल टू में जहाँ एन लिखा वहीं चेंज करना है बच्चों एन बराबर बोलो लो पीछे जा रहा है के माइनस वन के लिए सत्य कर चुके हैं के माइनस वन चले जाओ पीछे और उसको सिद्ध करो फिर बैठ के ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस वन माइनस वन अभी नहीं वो सेम लिखो बच्चों अब इसमें लिखो ए प्लस के माइनस वन तो के प्लस वन करेंगे तो के बन जाएगा बच्चों यहाँ पे सिर्फ के डी हो जाएगा ये यहाँ के जाके के प्लस वन बाई टू दो यहाँ पे आ जाएगा और टू ए यहाँ पे के डी बन जाएगा है ना के माइनस वन लिखा है तो क्या बन जाएगा के प्लस वन होगा वन माइनस वन कट जाएगा बच्चों इतने की जगह बच्चों बताओ के बाई टू बच्चों देख लो बच्चों पहले सब ये वीडियो में जाता है कमेंट आए कौन है के डी रिसोर्ट के डी पाटा को सब तुम लोग देखो बच्चों यहाँ पे देखो जान दो अब यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों क्या लेंगे हमें चाहिए के प्लस वन बाई टू बच्चों ठीक है अब पहले एलसीएम ले लो चाहे तो पहले टू एलसीएम आएगा तो यहाँ के और प्लस सिंपल यहाँ पे टू जाएगा टू ए के का इंटू करो जो टू के माइनस वन इंटू डी प्लस टू ए सॉल्व करना पड़ेगा ये तो ये तो हम तो बस सिंपल हो जाएगा चलो देखो सॉल्विंग करनी पड़ेगी कुछ अगर ऊपर से कुछ होगा नहीं बच्चों क्योंकि यहाँ पे बन नहीं पा रहा है क्योंकि अगर हमें क्या चाहिए बच्चों बाहर के प्लस वन बाई टू चाहिए बच्चों ठीक है तो वो बन नहीं पा रहा है यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों चलो देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों जल्दी से बोलो टू ए क्या बचेगा ठीक है बच्चों बताओ इसमें से इसमें से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों बोलो के है ना तो क्या बचेगा अपॉन में नहीं आया बच्चों बोलो बोलो जो टू ए के प्लस वन प्लस के डी के प्लस नहीं आया के प्लस वन क्या कर लेंगे यहाँ से और बाई टू अलग कर लेंगे जो निचला टू है अलग है यहाँ पे क्या बचेगा ठीक है नहीं सर जो थोड़ा सॉल्विंग हो गई बच्चों यहाँ पे ज़्यादा कठिन तो नहीं है बच्चों अभी कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस डैश 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 प्लस कॉस एन एक्स इक्वल्स टू साइन एन एक्स बाय टू साइन एन एक्स बाय टू कॉस एक्स एक्स बाय टू कॉस cos x cos x cos x cos x cos x ना cos x cos n plus 1 वाली तो cos n plus 1 cos n plus 1 बस सवाल में पता मुझे बच्चा पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या है n बराबर क्या आएगा सिर्फ यहाँ बच्चों बोलो यहाँ वन रखोगे तो कितना आ जाएगा साइन एक्स बाई टू है ना वन एन हट जाएगा ये कितना आ जाएगा बच्चों इसमें एन नहीं है बच्चों देख लो
प्लस, यहाँ जब रखेंगे तो एक रखेंगे तो एक और एक कितना जाएगा दो, और दो से दो कट जाएगा कितना बचेगा, हाँ एंगल में ना बच्चों, ये कोण में ही है, तो कोण का ही कोण से कट सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ बच्चों बोलो। तो इतना गया, अब देखो बच्चों तुम लोग को मालूम होगा साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स जो होता है वो वन अपॉन क्या होता है, होता है ना बच्चों वन अपॉन साइन एक्स होता है, कट हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली बच्चों यहाँ पे, इसलिए एन बराबर एन बराबर के प्लस के लिए कॉस एक्स बोलो चो, पहले के लिए सत्य तो के लिए लिख दो लो बच्चों, के लिए लिखो चो कॉस एक्स कॉस टू एक्स एन बराबर ये थोड़ा कठिन हो जाएगा मतलब क्वेश्चन जहां तक कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस प्लस इक्वल टू जान देना नहीं यहाँ सेम रहेगा ये यहाँ एन है नहीं यहाँ बोलो अब ये टू टू नहीं कटेगा क्योंकि प्लस टू लिखा है चलो इस पूरे की जगह क्या जाएगा बच्चों समीकरण एक से क्या जाएगा साइन के एक्स बाय टू इनटू कॉस एक्स बाय टू इनटू कॉस कॉस ए प्लस वन इनटू टू अपॉन कॉस ए प्लस वन ठीक है ये अब इसको लाना क्या हम लोग को ये चीज लानी है कॉस के प्लस वन कहाँ से कॉमन लेना कहाँ से यहाँ से ये के प्लस वन बाई टू लिखा है मेरे भैया और ये सिंपल के प्लस वन लिखा है कॉमन कहाँ से मिल जाए नहीं मिलेगा बच्चों कुछ नहीं मिलेगा अब इसको हम लोग को सॉल्व हो बच्चों बनाना है कुछ अब कैसे बनाए इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा बच्चों करने का प्रयास करेंगे हाँ किसके आज एल्सियम लेंगे बच्चों देखो चुप बताते तुम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे के प्लस वन बनाने ट्राई करेंगे इसी प्रकार से के प्लस वन बन जाए बच्चों इसमें से चलो इन दोनों को ठीक है टू का इंटू करेंगे टू का डिवाइड कॉस एक्स बाई टू ने लिखा और यहाँ लगाएंगे मतलब वन बाई टू भी बाहर लिखा है मतलब वन बाई टू टू साइन ए कॉस बी क्या होता बोलो साइन ए प्लस बी मतलब ए मतलब बच्चों बोलो के एक्स बाई टू प्लस प्लस साइन ए माइनस बी के एक्स बाई टू माइनस ठीक है और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और वो तो लिखा ही बाहर बच्चों और प्लस क्या बचा था बच्चों यहाँ पे बोलो के प्लस ठीक है नहीं समझ बच्चों ब्रो वन बाई टू हाँ सॉल्विंग बच्चों यहाँ पे करो थोड़ा सा एलसीएम कितना जाएगा बच्चों बोलो तो के एक्स प्लस वन ना ना
बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करो कि कॉमन वगैरह मिल जाए इसमें से। K प्लस टू भी लाना है। क्या करो, क्या करे बताओ भाई, इसमें कुछ हाँ क्या करो, सवाल कैसे करे वो तो पूछ रहे हैं हाथों से। ये सब अजीब बच्चे हैं। इसमें ये लगाएंगे तो बहुत, ये तो मान लो टू के एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, कोई फायदा नहीं मिल रहा, और यहाँ एक्स बाई टू हो जाएगा, क्या करें इसको। साइन के प्लस के एक्स प्लस वन एक्स बाई टू, हो गए। चलो यहाँ तो नोट करो प्ले, यहाँ तो सही ना, यहाँ तो नोट करो, तुम देखते हैं तो क्या हुआ, तुम सोच लेंगे ना दौरान में। और क्या कॉस के प्लस वन, कॉस के प्लस वन ये बड़ा दिक्कत कर रही है, ऐसे कैसे आ जाएगा सॉल्विंग। भाई क्या करें इसमें, हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस क्या करें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी मिस्टेक है, क्या हुआ, अल्टरनेट आएंगे उसको तो तुरंत टाइम भी दे रहे हैं। दो बच्चे हैं, मैंने यहाँ आए दौड़ के
कितने बच्चे हैं? दो, एक तीन बच्चे हैं। हाँ अगर बच्चे हो जाए, 10 बच्चे हो जाए बस तीन ही बच्चे पढ़ते हैं। क्या होगा बच्चों इसमें कॉस्ट? आंसर आएगा भैया एक बार यार क्या इसमें कहीं तो कुछ सिर्फ सॉल्विंग करने हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्विंग कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करें, सब बाई टू में है तो उसको भी बाई टू में होना चाहिए। बाई टू हाँ मारो बोतल खेल लो उसे पानी पीते उसे तुम आओ क्या हाँ तो तुम्हें दे दे हाँ अभी आगे नहीं होगा क्या बल्ब खराब हो जाएंगे देखो तो सब कल ही कराएंगे फिर सब देना पड़ेगा हमें क्योंकि कुछ समझ नहीं क्या करें सिम इसमें हमें इसको या तो ब्रेक कर लें या तो हमारी बाइक हम लगा लें तीन पद चलो कल बताएंगे जिसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सही है एंड बराबर 1 बड़ा होगा 1/3 एंड बराबर 1 के लिए क्या है ठीक है एंड बराबर हमें लाना क्या है k प्लस 1 लाना है इस तरफ हाँ याद करो हमने कहा था ये दोनों तक पढ़ना पड़ता है स्टेप इसको वही लिखेंगे
थ्री ए के स्क्वायर प्लस वन प्लस के क्यू प्लस कहाँ ए क्यूब प्लस तीन में से वन ले लेंगे मतलब वन का क्यूब प्लस थ्री ए भी होता है तो हाँ विधान थ्री ए की जगह क्या लिखा है बताओ जो के इंटू वन और ब्रैकेट में क्या होता है के प्लस वन में मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे है नहीं यहाँ पे यहाँ के क्यूब ले लिया इससे एक ले लिया ठीक है और थ्री इंटू के इंटू वन मतलब इसका इसमें गुणा करो तो क्या आएगा थ्री के स्क्वायर आएगा देखो यहाँ पे ध्यान से थ्री के एच का नहीं आया बच्चों और तीन और इसका करो बच्चों बोलो क्या आ जाएगा थ्री के और ये लिखा कितना बच्चों छः तो कहीं ना कहीं हम लोग ने क्या बच्चों देखो थ्री के स्क्वायर तो लिखा है बच्चों ये वन लिखा है तो वन को यहाँ पे लिखा कितना तो थ्री तो वन हमने लिखा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे टू और ये थ्री लिखा तो मतलब यहाँ पे थ्री के अलग कर दिया बच्चों बताओ चलो इसमें आया तो बता दो नहीं आया देखो के क्यूब लिखा तीन लिखा था हमने इसमें से एक ले लिया तो बच्चे कितने दो बचे हैं तो दो मैंने अलग लिखे हैं अब थ्री ए भी हो तो थ्री ए की जगह क्या के हो गया और वन और थ्री के और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी तो इसका गुणा इसमें करो कितना आएगा बताओ जो तो ये लिखा है बच्चों और थ्री के का एक में करो थ्री के आएगा लिखा कितना था बच्चों तो कितना अलग करना पड़ेगा अब हम इसको क्या कर देंगे हटा देंगे क्योंकि ये तो छोटा है ना बच्चों अगर कुछ हटा रहे तो वो छोटा पहले से बना लेगा तो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों ये के प्लस वन का अपॉन में तीन हटा देंगे बच्चों क्योंकि छोटे को और छोटा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ यही बच्चों क्वेश्चन है देख लो बच्चों यहीं तक लगाते हो ठीक है।